पृथ्वी में सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाली धातु है एल्यूमिनियम। और फिर भी नेपोलियन द थर्ड जैसा शाही व्यक्ति खुद एल्यूमिनियम की प्लेट में खाना खाता था, और जो उसकी भोज में गेस्ट आए रहते थे उनको सोने चांदी के बर्तनों में खाना परोसा जाता था। अब ऐसा इसलिए नहीं था कि नेपोलियन द थर्ड बड़ा ही सादगी पसंद व्यक्ति था, ऐसा इसलिए था कि उस समय एल्यूमिनियम को निकालने की प्रोसेस इतनी जटिल होती थी कि उसकी कीमत सोने चांदी से भी ज़्यादा थी। और लोगों की ही तरह नेपोलियन द थर्ड भी उन चीज़ों की ज़्यादा वैल्यू करता था जिसकी वैल्यू लोग ज़्यादा करते हैं। अब उसके पास तो बेशुमार दौलत थी, पर हम में से वो लोग जिनके पास फेंकने के लिए पैसा नहीं है, समझदारी इसी में है कि हम अपने फैसले इस बेसिस पे लें कि भाई हमें कौन सी चीज़ मैक्सिमम यूटिलिटी दे रही है मिनिमम कॉस्ट में, यानी कि हमारी ज़रूरत पूरी कर रही है कम से कम कीमत में। जब हम समझदारी से काम नहीं लेते तो हमारा क्वालिटी ऑफ लाइफ यानी कि जीवन का स्तर गिर जाता है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, मेरी ज़रूरत तन ढकने की है तो मैं दो सस्ती कमीजें लेता हूँ और मेरी ज़रूरत पूरी हो जाती है और मेरी क्वालिटी ऑफ लाइफ ऊपर चली जाती है। पर यही ज़रूरत अगर मैं ब्रांडेड कपड़ों से और हर रोज़ एक नई कमीज से पूरी करता हूँ तो मेरा क्रेडिट कार्ड का बिल ऊपर चला जाता है, मेरी महीने की EMI ऊपर चली जाती है और उस टेंशन के मारे मेरी क्वालिटी ऑफ लाइफ गिर जाती है। हाँ, एक सिचुएशन ऐसी है जिसमें हमें ये देखना चाहिए कि लोग किस चीज़ की वैल्यू कर रहे हैं। मैं आपको अपनी एक कहानी से समझाता हूँ। जब हम पीपल फार्म के लिए ज़मीन ढूंढ रहे थे तो हमारे पास दो ऑप्शंस थी, या तो इस गांव में जो कि एक मैदानी इलाका है टूरिस्ट एरिया से कुछ दूर है, या यहाँ से थोड़ी ऊपर जो पहाड़ी इलाका है और ठंडा है और वहाँ पे टूरिस्ट एरिया भी आने वाला था। तो उम्मीद थी कि आने वाले कुछ ही सालों में वहाँ पे ज़मीन की कीमतें बहुत बढ़ जाएंगी क्योंकि लोग उस जगह को उसके मौसम के लिए बहुत वैल्यू कर रहे थे। लेकिन मैंने ज़मीन ख़रीदना यहाँ पर चूज़ किया क्योंकि देखिए मेरे प्लान्स ये थे कि कुछ सालों में हम पीपल फार्म को एक्सपैंड करेंगे, और अगर पीपल फार्म हमने वहाँ शुरू किया होता तो यही एक्सपेंशन हमें बहुत ज़्यादा महंगी पड़ती क्योंकि ज़मीन की कीमतें वहाँ पे बढ़ने वाली थी। तो टू समराइज, अगर आपको पैसा बढ़ाना है तो आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन इस बेसिस पे होना चाहिए कि भाई कौन सी चीज़ है जो लोग वैल्यू करते हैं। लेकिन अगर आपको पैसा बचाना है तो आपका खर्चने का डिसीजन इस बेसिस पे होना चाहिए कि आपके प्लान्स के अनुसार कौन सी चीज़ आपको मैक्सिमम यूटिलिटी मिनिमम कॉस्ट में दे रही है।